अब एक काम करते हैं, अब हमारे साथ प्रकाश दीवान जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कुछ और उनसे जानते हैं कि इस समय वो मार्केट में क्या कर रहे हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। प्रकाश, पहले मैं आपसे व्यू लूँगा एक ऐसी स्पेस जहाँ पर आप बहुत बुलिश रहे हैं काफ़ी टाइम से, डिक्सन, एम्बर, इस तरीके के स्टॉक्स। डिक्सन में खास तौर से एक बड़ा मूव आया, अब इन लेवल्स पर क्या प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर बने रहें? गुड मॉर्निंग अनुज। यस, देखिए ये जो कंपनीज हैं जो कांस्टेंट बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट उनको अच्छा खासा रिवॉर्ड करने की चेष्टा कर रहा है और उस वजह से एक मोमेंटम बना हुआ है जो लिक्विडिटी इन स्टॉक्स को चेज कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखिए इन कंपनीज की जो अर्निंग्स की ग्रोथ हम आगे चल के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और विजिबिलिटी जरूर है, मैं ये नहीं कह रहा कि विजिबिलिटी नहीं है, बट इनको इतना पी मल्टीपल जब आप देते हैं तो होता ही है कि स्ट्रक्चरली अगर मार्केट में कोई शेकआउट होता है, कहीं करेक्शन आता है और जो लिक्विडिटी थम जाती है, तो इन सब स्टॉक्स में से गिरावट जो है वो आपको थोड़ी सी शार्प रह सकती है। सो आई वुड बी अ बिट कॉशियस। मैंने जैसे कहा बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये सारी स्पेस बहुत प्रॉमिसिंग है और प्रॉमिसिंग होगी, क्योंकि हमने एक कंजम्पशन साइड में बॉटमिंग आउट देखी ग्लोबली और कहीं ना कहीं रीस्टॉकिंग का जो दौर शुरू हो रहा है उससे इन पार्ट्स नॉट सभी सेगमेंट में, बट जो जो सेगमेंट में ये प्रॉमिसिंगली प्रेजेंट है वहां पे इंप्रूवमेंट आपको दिख सकता है। लेकिन आई वुड बी कॉशियस, मतलब मैंने खुद ही ये स्टॉक्स इतने नीचे के लेवल पे देखे हैं और डिस्कवर किए हैं कि आप थोड़ा सा ज्यादा पी मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा ओवर द टॉप थोड़ा सा महसूस हो रहा है, तो आई वुड ईदर बुक प्रॉफिट्स अगर मेरी और कोई अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिखती है तो, या आई वुड नॉट एटलीस्ट पार्टिसिपेट इन दिस मोमेंट। तो थोड़ा सा सावधान शायद रहा जाए, कंसीडरिंग स्टॉक्स पहले काफी भाग चुके हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। मैं फार्मा कंपनियों पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि कुछ देर पहले अनुज और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कि इस अर्निंग्स सीजन के बाद, Q1 के बाद, कंपनी ने काफी क्लियरली एक डायरेक्शन दिखाया है कि कैसे यूरोप, US और इंडिया में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स डिलीवर करने लगे हैं, और वो शायद अर्निंग्स के लिहाज से आगे डिलीवरी और ज्यादा बेहतर होने के आसार है। एंड इट्स नॉट ओनली अ सेक्टर जहां पर गिरते बाजार में कुछ छुपने की जगह मिले। आपकी अप्रोच क्या रहेगी, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके की प्रोडक्ट्स पर इस समय आप कुछ बुलिश होकर पोजीशन ली जा सकती है? गुड मॉर्निंग अर्चना जी। फार्मा एक बड़े कॉम्प्लिकेटेड सी सेक्टर होती जा रही है, उसका कारण ये है कि जो फ्रंटलाइन कंपनीज है जहां पे आपको इंप्रूवमेंट देखना शायद पिछले साल से शुरू हो गया था, मिडिल ऑफ लास्ट ईयर अगर आप देखें कैलेंडर 22, तो ल्यूपिन, सिप्ला, सन फार्मा, इन सब में एक बहुत अच्छा आपको मूव दिखना शुरू हुआ था, क्योंकि उनका बिजनेस, US का बिजनेस जो है वो अच्छा खासा इंप्रूव हुआ, और इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ ग्लेनमार्क, मतलब कई हैं जो, पर ये सारे ही बड़े नाम है। और फार्मा कंपनीज जो हमारे यहाँ लिस्टेड है, करीब 120-125 लिस्टेड कंपनी जो है मेन लाइन, उनमें से जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें अच्छे से ऑलरेडी एक पहला मूव आ चुका है, तो अब ये मूव कंटिन्यू होना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि अब इनको अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ सकता है। जो इन्होंने 16-17% पे ग्रोथ कायम की उसकी जगह अभी हो सकता है सिंगल डिजिट्स पे या 11-12% के आसपास रहे। सो मेरे हिसाब से फार्मा में बड़ी कंपनीज में आपको इतना स्ट्रांग मूव नहीं दिखेगा, पर जो मिड साइज कंपनीज है या छोटी कंपनीज है जो बहुत स्पेशलाइज एरिया में, जैसे जो CDMO में है, कई API में है, वहां पे आपको एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा दिखेगी। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो कोपरान है, थेमिस मेडिकेयर, इस टाइप की छोटी कंपनी जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है, प्रोसेसेस इन प्लेस है, और कहीं भी USFDA को लेके कोई स्पीड ब्रेकर आएगा या कोई ब्रेक लगेगी ऐसी चीजें नहीं आएंगी। सो बट ये इस पे थोड़ा मैं ये अर्ज करूंगा लोगों को कि अपने ड्यू डिलीजेंस के बाद इसमें से चयन करें, क्योंकि ये छोटी कंपनीज कभी कभी आपको गुमराह भी कर सकती है। एक दो अच्छे क्वार्टर आने से ये लगता है कि अब ये चलता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिनकी कैपेसिटी है, जिन्होंने सही समय पे पिछले साल एक्सपेंशन किया है, वहां पे आपको थोड़ा दिखेगा। बट एज यू सेड, फार्मा में भी छुपने की जगह बहुत ज्यादा बची नहीं है, क्योंकि जो अच्छा जो मूव आना था, जो 50-40% ऑलरेडी हम बड़ी कंपनीज में देख चुके हैं, वहां पे थोड़ा सा मुझे लगता है अब एक धीमापन भी महसूस हो सकता है, तो छोटी कंपनीज के ऊपर फोकस ज्यादा है। ओके, छोटी कंपनियों पर फोकस ज्यादा रहेगा। मीनवाइल निफ्टी कोशिश कर रहा है डे हाई पर आने की, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ले ली है रिलायंस ने, वहां पर अब मूव्स काफी शानदार आ रहे हैं। प्रकाश, कोई स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे आपने, अगर 2-3 स्टॉक्स बता सकें जो कुछ फ्रेश ट्रेडिंग आइडियाज या इन्वेस्टमेंट आइडियाज?
तो अनुज देखिए, मुझे एक चीज समझ आई है कि जो बड़ी कंपनीज है वहां पे अभी भी, जैसे हमने रिलायंस की बात की, आज ऑफकोर्स रिलायंस ये सारा श्रेय निफ्टी के रिवाइवल का जो जा रहा है वो है, क्योंकि रिलायंस इटसेल्फ में एक दो चीजें हुई हैं जो रिजल्ट्स के बाद हुई है, पिछले क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद, लेकिन वो अभी तक फैक्टर इन प्राइस में मेरे हिसाब से नहीं हुई है। तो अगर कोई टैक्टिकल पोजिशन लेना चाहे तो रिलायंस में आपको यहाँ से 8-10% की एक अपसाइड दिख सकती है। और एजीएम आ रही है, एजीएम में काफी क्लैरिटी आने की उम्मीद है, खास करके उनके जो ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस की, न्यू एनर्जी बिजनेस के बारे में, जो एक एक बहुत बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है मेरे हिसाब से। छोटी कंपनीज जो मिड कैप कंपनीज हैं, वहां पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जहाँ लो फ्लोटिंग स्टॉक है वहाँ प्राइस बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तो एक एक फीलिंग ये आती है कि परफॉर्मेंस ड्रिवन है, जबकि अभी भी पी एक्सपेंशन का ही दौर चल रहा है। मुझे बहुत बहुत कम गिनी चुनी कंपनीज है जहाँ पे इस टाइप का मूव दिख रहा है। लेकिन आप ये देखिए, कुछ कंपनी जो हमने पहले डिस्कस की लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रही थी, वहां पे भी इतने अच्छे अच्छे मूव आ चुके हैं। तो हम लोग तो एक्चुअली कैश पे बैठे हैं और चेष्टा यही है कि जहां जहां से निकलने की जगह बनती है वो निकले। जो लार्ज कैप कंपनीज का मैंने जिक्र किया उसमें मुझे अभी भी आईटीसी में मुझे नहीं लगता कि कोई इस टाइप का मूव आया है जो जस्टिफाई करे जो सेलियंस है उसको, और वो होटल बिजनेस के डीमर्जर जैसे जैसे नजदीक आएगा उसमें आपको लेगा, तो आईटीसी कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अपसाइड यहाँ से। और एलएनटी देखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, छोटी कंपनीज में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपको एलएनटी जैसी कंपनी वहीं मिल गई है जहाँ पे पिछले 2 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट्स में दिखाया था, तो आपको 3600 के लेवल पे अगर एलएनटी दिख रहा है, तो आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई जो बोलते हैं ना प्लेस टू हाइड में इस टाइप की कंपनीज ना हो। तो हम लोग थोड़ा सा झुकाव बड़ी कंपनीज की तरफ रख रहे हैं, नॉट फॉर एनी अदर रीजन के एफआईज के भी जब पैसे वापस आते हैं, आपको पता ही है, आप इसको इतना ट्रैक करते हैं क्लोजली कि ये बड़ी कंपनीज में पहले एलोकेशन ज्यादा आएंगे। तो मार्केट अभी भी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है, आउट ऑफ डेंजर जोन नहीं है। मुझे अभी भी लगता है मार्केट की वल्नरेबिलिटी को समझना जरूरी है, और वो उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में पुल बैक जरूर आया है कि भाई बाय ऑन डिप्स हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं लगता। फिर ऐसे दिग्गजों में क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी कई सारी आती हैं प्रकाश, आपने रीसेंट पास में क्या नया खरीदा है बिग बॉयज में पोस्ट अर्निंग्स, समथिंग दैट यू थिंक यू नो कि अफलातून परफॉर्मेंस दिखा सकता है? क्योंकि एक चीज मैं नोटिस कर रही थी, एक पॉकेट जिस पर लोगों ने कंप्लीटली कॉन्फिडेंस छोड़ दिया था वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी। अब आई डोंट नो इसमें क्या बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब वो जीएसटी की बैठक होगी उस पर कुछ विचार होता हुआ दिखाई देगा या नहीं, या फिर वाकई में वैल्यू दिखने लगी है। इस स्पेस पर आपने कुछ एक्सपोजर लिया है? तो अर्चना, इंटरेस्टिंगली इस स्पेस में कॉम्पोजिट लाइसेंस एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है, और जैसे ही वो उसके ऊपर कुछ अफर्स काफी समीक्षा हुई कि भाई ये जरूरी है इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, अब हम मच्योर हो गए, तो ये जो सारे तर्क आए हैं सामने उसके बेसिस पे अगर कॉम्पोजिट लाइसेंस की प्रक्रिया थोड़ी सी वो पकड़ती है, वेग पकड़ती है, मुझे लगता है एलआईसी इटसेल्फ विल प्रोबली बी डूइंग वेरी वेल। अभी एलआईसी में इस टाइप का कोई आपको ट्रिगर शायद नहीं महसूस होगा, लेकिन जो पोर्टफोलियो उनका है अंडरलाइंग जो बॉन्ड्स पोर्टफोलियो है, वो भी आपको कहीं ना कहीं अगले 1 क्वार्टर में मार्क टू मार्केट गेन्स में शुरू हो जाएगा कंट्रीब्यूट करना। सो आई वुड बिलीव, अगर आपको, ऑफकोर्स बाकी की कंपनीज में भी कोई खामी है नहीं, जो बड़ी कंपनीज हैं एचडीएफसी, स्टैंडर्ड लाइफ, एसबीआई लाइफ, लेकिन वो मैं हमेशा कहता हूँ एक बास्केट अप्रोच रखते हैं हम लोग इंश्योरेंस में, बट एलआईसी प्रोबली इज अ वेरी गुड बेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और जो रिजल्ट्स के आपने जो पूछा, रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखें कई जगह डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, लेकिन वो टेम्पररी होने की वजह से एक एक रीस्टॉकिंग जो ग्लोबली हो रहा है उसमें केमिकल स्पेस में मुझे, और खास करके एग्रो केमिकल में यूनाइटेड फास्फोरस देखिए, यहाँ भी आपको एक छोटा सा टैक्टिकल मूव दिख रहा है, और लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी कंपनी इतनी बढ़िया है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट बेसिस पे आपको इतने सस्ते में मिल रही है। तो इस टाइप की चीजें हैं, लेकिन एज आई सेड अर्लियर, अनुज के सवाल का जवाब देते हैं कि बहुत ज्यादा एलोकेशन अभी करने का वो इसलिए नहीं हो रहा कि हमको मार्केट अभी भी लग रहा है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल मूव्स आएंगे, लेकिन इवेंट ड्रिवन वो उसकी वजह से ऊपर नीचे जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी टेक्सचर मार्केट का वीक है। और अगर नीचे आता है 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आ जाता है, आई नो 1000 पॉइंट बोलते ही थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन अगर 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे आता है तो आपको अच्छी चीज है अच्छे भाव पे मिलना शुरू हो जाएगी, विच बहुत पेशेंटली आपको वेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो फोमो ना रहे उस हिसाब से हम लोग तैयार होकर बैठे हैं, लेकिन कुछ ये बड़ी चीजें जैसे आईटीसी था, एलएनटी है, यूपीएल है, इस टाइप की कंपनीज में भी हम लोग थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ा रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स प्रकाश, यहाँ पर बहुत लोग शायद फंस चुके हैं, अब
साइंस आते हैं रिकवरी के, लेकिन फिर कुछ ना कुछ आरती जैसा एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या व्यू आपका? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अनु। यस, इसमें 2 क्वार्टर पहले हम लोग ऑलमोस्ट ये सेलिब्रेट करने लगे थे कि वापस वॉल्यूम पिकअप हुआ है। एक्चुअली प्राइस पिकअप हुआ है, मार्जिन ठीक ठाक है, पर वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ है। उसका रीजन ये है कि अभी भी ग्लोबल इक्विलिब्रियम जो है वो पॉजिटिव नहीं हुआ है डिमांड की तरफ का। बट इफ यू सी जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें उनमें क्या होता है कि स्पॉटलाइट ज्यादा होने की वजह से ऑलरेडी सब कुछ बहुत क्लोजली ट्रैक होता है, तो फटाफट आपको उसमें मुंह ऊपर के नीचे के दोनों आते हैं। बट एक छोटी कंपनी है, उसका नाम मैं ले रहा हूँ, जो थोड़ी सी आपको स्टडी करेंगे तो समझ आएगी कि केमिकल वैल्यू चेन में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। रोजारी बायोटेक करके कंपनी है, बहुत ही स्टेडी से आप बिजनेस रहा है। ऑफकोर्स ई मल्टीपल के बेसिस पे अपने हिस्टोरिकल एवरेज से वो भी थोड़ा ज्यादा है, पर अगर रोजारी को देखें तो ये अगर बिजनेस इसका जिस साइड पे इंप्रूवमेंट अगर दिख रहा है, और आगे जो इनके जो पिछला केपेक्स किया था उसका जो अनफोल्डिंग हो रहा है, जो यूटिलाइजेशन लेवल जा रहे हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, वो जैसे जैसे आना शुरू होगा पीएनएल में, तो आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। ऐसे मतलब 25-30% की अपसाइड की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत कोई मल्टी बैगर बन जाएगा इमीडिएट बेसिस पे ऐसा तो कुछ नहीं है। बट यस, एटलीस्ट एक सेफ्टी लेवल है, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा इसमें फेवर। रोजारियो बायोटेक 2% वैसे ऊपर है आपके है बोलने के साथ ही। प्रकाश प्रकाश, जिस तरह का रिएक्शन ओला इलेक्ट्रिक को मिला है पोस्ट लिस्टिंग, कोई फ्रेश व्यूज? क्योंकि ना कल हम यही बात कर रहे थे कि हीरो मोटो कॉर्प जो एक लेगेसी प्लेयर है वो भी अपना आगे चलकर होपफुली बाकी सभी लेगेसी प्लेयर्स अपनी ईवी में मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे और उसकी तरफ कदम बढ़ने लगे हैं। कुछ थोड़ा सा चेंज वो फाडा के डेटा में दिखाई दिया है, लेकिन उसके सामने ओला कंसिडरिंग एक लिस्टेड प्लेयर है। दूसरी तरफ अब वो मोटर बाइक सेगमेंट में भी आ गया है, जिसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एज शायद इनके फेवर में जा सकता है। निवेशकों को सोचना चाहिए इसके बारे में इन लेवल्स पर या दूर है? अर्षिता, ओला के आईपीओ के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग फोमो की फीलिंग है। मैं जिनसे भी बात करता हूँ हमेशा वो यही कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना अपसाइड इसमें दिख जाएगा, और उसके कई कारण हो सकते हैं। टेक्निकल कारण है कि फ्लोट थोड़ा कम है, अभी भी इंस्टीट्यूशनल पैसा जो आया है वो लॉक इन के अंदर है। दूसरा, एलोकेशन करना ही पड़ता है आपको एज एन इंस्टीट्यूशन कई बार, क्योंकि स्पेस में लीडर है या एक ही रिप्रेजेंटेशन है प्योर ईवी प्ले में, तो उस लिहाज से कुछ चीजें हैं। अगर किसी के पास है तो मैं तो, अगर मेरे पास होता, ऑफकोर्स अलॉटमेंट मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने आईपीओ में सब्सक्राइब ही नहीं किया, बट अगर हो तो मैं तो इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करूं। क्योंकि इन सब कंपनीज में होता ही है कि प्रॉफिट आने का जो टाइम लगता है उसके दरमियान बहुत चीजें उतार चढ़ाव बहुत आपको दिखता है, तो आपको कोई कंफर्ट नहीं आएगा। और ये चीज हमने कई बिजनेसेस में देखा है, चाहे नाइका हो, जोमेटो हो, डिलीवरी हो, पीबी फिनटेक हो, मतलब मैं बहुत लंबी कतार है इस टाइप के बिहेवियर की। आई वुड नॉट कंपेयर इट विद सम ऑफ दीज कंपनीज क्योंकि इसमें बिजनेस अलग है, लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब आप हर एक स्कूटर बेच रहे हो और नुकसान कर रहे हो, तो थोड़ा सा नए स्कूटर नए बाइक्स के लॉन्च के बारे में इतना एक्साइटमेंट होना, मेरे हिसाब से तो नंबर्स जो बोलते हैं वो भी फॉलो मैं करता हूँ, स्टोरी अलग है। तो थोड़ी सी स्टोरी स्ट्रांग है, नंबर्स वीक है, तो आई वुड मैं तो आई एम नंबर्स पर्सन, तो थोड़ा सा नंबर्स के लिहाज से कॉशियस रहूँ। चलिए, ये हो गई बात ओला इलेक्ट्रिक की। अच्छा, सिंस आपने बात की कि कंपनियां ठीक है, प्रॉमिस हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं है, एक कंपनी जहाँ प्रॉफिट बहुत शानदार रहा है लेकिन बहुत महंगा हो गया, ट्रेंट, इस पर क्या व्यू है अब? एज अ मैटर ऑफ डिस्क्लोजर मेरे पास है, और आपको याद हो 7 साल पहले हमने अनुज, जब आप सीबीसी इंग्लिश का शो कर रहे थे, एक 2017 में 17 ईयर्स ऑफ सीबीसी था, उस टाइम हम लोग ने ये चुना था, तब इसका चयन किया था, तो मेरे ख्याल से 170 के करीब भाव था इसका, और उसका तब यही चीजों पे किया था कि ये एक रिटेल पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ेगा। और उसके बाद आपने देखा ही है, ना सिर्फ वेस्ट साइड और स्टार बाजार, बट जूडियो ने जो जो कमाल ढाया है वो नंबर्स में दिख रहा है। लेकिन ये मल्टीपल्स आप कैसे जस्टिफाई करते हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कि ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, ग्रोथ एट एनी प्राइस, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो आई वुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस। ऑफकोर्स अगर आपने नीचे के लेवल पे बटोरा है, इसमें पोर्टफोलियो में ऐड किया, तो एक अलग जोन में आप बैठे हो। बट अगर किसी को नया लेना है तो आज 180 190 के पी मल्टीपल्स पे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन मुश्किल है। तो आई वुड बिलीव ये अगेन टेक्निकल कारण है, निफ्टी में आने की उम्मीद है, लो फ्लोट है, मोमेंटम है, तो वो सब चीजें हैं, बट थोड़ा सा इसमें संभल के रहना पड़ेगा। इनफैक्ट फ्रेश एंट्री की तो मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बट यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस।
जी हाँ, थोड़ा सा संभल कर चले, लेकिन एक स्टोरी जिससे दिल भरा हुआ है, यू नो, इट्स ट्रू लव इन द मार्केट. एक्चुअली ट्रेंड जिस तरह परफॉर्म कर रहा है. प्रकाश, हम कुछ देर पहले वो मजगांव डॉक की बात कर रहे थे, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इन स्टॉक्स में इतनी तगड़ी तेजी देखने को मिली है. हालांकि एक ब्रोकरेज है जो कहता है कि आगे टूटेगा और 70% के नीचे के टारगेट्स आ रहे हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड कि एक मिस्ड आउट फीलिंग होती है, लेकिन प्योर अर्निंग्स के लिहाज से जिस तरह के स्टॉक लेवल्स इन कंपनियों ने अब अचीव कर लिए हैं, क्या अर्निंग्स में वो डिलीवरी की क्षमता इस समय दिखाई दे रही है या नहीं? लाइक हाल के केस में हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि जीई के साथ जो टाई अप था तेजस के लिए जो इंजन आने थे, उसमें एक सब्सटेंशियल डीले हुआ है और वो यू नो थोड़ी सी खटास पैदा करने लगा है. अब नहीं, सो ये तो देखिए, एग्जीक्यूशन का जब दौर आता है तो डेफिनेटली मतलब मार्क्स कटते शुरू हो जाते हैं अगर कहीं भी गलती हो तो. और मैं ये नहीं कह रहा ये कंपनीज एक ऐसी स्पेस में जहां पे कोई प्रॉब्लम है, बट इन कंपनीज को भी आप ये समझिए कि ग्रो होने के लिए, आज जैसे हमारे तीन शिप बिल्डिंग डिफेंस वाली कंपनीज हैं, तीनों को अगर मिलाए तो ये इनका जो मार्केट कैप क्यूमुलेटिवली हो गया है और उसके सामने इनकी जो ऑर्डर बुक है अगर आप उसको देखें, तो ये मार्केट कैप जस्टिफाई कैसे आप करेंगे कि इनको इतना ग्रोथ, हाई ग्रोथ रखना पड़ेगा अगले 6-7 साल. और मजगांव डॉक की मैनेजमेंट ने तो खुद ही हमारे सिस्टर चैनल अंग्रेजी चैनल पे ये अर्ज किया कि मार्जिन में थोड़ा सा सॉफ्टनिंग भी रहेगा. तो अगर मार्जिन कम है और आपका एग्जीक्यूशन समय लगाने वाला है तो आप बैठे हैं इस लेवल पे. और ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई जिसमें भाव, उन्होंने कहा कि भाव टूटेगा, लोग उस पर टूट गए कि भाई ये कैसे बोल सकते हैं. अब वो उनका व्यू है, अगर आपको लगता है कि ये व्यू गलत है तो आप तो जाके ले ही सकते हैं, लेकिन इस भाव पे आगे चल के कितना ग्रोथ आपको कायम होगा. हाँ, ये रेंज बाउंड रहेंगे, एक टाइम करेक्शन इसमें जरूरी है ताकि एग्जीक्यूशन कैचअप हो जाए, अर्निंग्स ग्रोथ. जो आपने बहुत सही कहा कि अर्निंग्स दिखाएगा कि नहीं ये चीज, और कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूशन में खटाई पड़ी जैसे एचएल में हुआ है या कोई और कोई इशू की वजह से स्लो डाउन होता है या ऑर्डर बुकिंग जो है वो थोड़ी सी स्लो होती है, बहुत चीजें आ सकती है. तो आई वुड बिलीव आप प्राइस टू परफेक्ट पर उस पे हो, बिल्कुल थोड़ा सा सेफ्टी वो करनी. बिल्कुल प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए. ये हो गई मार्केट पर. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.